सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और आज ब्लॉग डाले हुए काफ़ी दिन हो गए, तो आज सोचा ब्लॉग कर दें। और ब्लॉग करने का मतलब ये नहीं है कि ब्लॉग बस टाइम हो गया तो कर रहा, नहीं, कुछ रीज़न है इस वजह से ब्लॉग कर रहा हूँ। तो अभी जो है हमारी तरफ, मान लो हमारी तरफ बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ में काफ़ी मतलब एरिया फुल हो गया था, तो उसकी वजह से मछली भी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। तो अभी जो है मतलब पानी कम हो गया है, तो मछली काफ़ी ज़्यादा मारी जा रही है। तो देखो ये खेत दिखाई दे रहा है, ये खेत में पानी भरा हुआ है इसके लेवल से, मतलब अभी भी ज़्यादा है पानी इसे। और यहाँ पर देखो ये मछली मार रहा है बंदा, इसे वीडियो में देखते होंगे। और इसने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक मछली मारी है, वो खुद बताइए कितनी बड़ी मछली मारी तूने। 400 ग्राम तक की। 400 ग्राम की मछली, कौन सी थी? लाची। लाची काहे से मारी? बंसी से। तो इसने अभी बंसी से सुबह सुबह 400 ग्राम की मछली मार दी, मतलब आधा पौन घंटा और बैठे एक दो मछली और आ जाएगी, 1 किलो इनका हिसाब किताब क्लियर। तो ऐसे ही आप भी अगर मारना चाहो तो हमारे यहाँ पे आ जाओ, ये रहा तालाब, मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये मछली कैसे मारता, क्या करता है, वो इससे पूछना कैसे मारता। तो अब तुम हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि जो तुमने मछली मारी है 400 ग्राम की, वो किस तरीके से क्या क्या करा, शुरू से बता दो एक बार हमें। पहले तो मछली मारने के लिए घेंसे खोद के लाते हैं। घेंसे कहाँ से खोद के लाए, कितनी दूर से? दूर से लाना पड़ते खेतों में से। अच्छा, फिर उसके बाद घेंसे खोद लाए, फिर घर पे आए, घर पे से बंसियाँ उठाई। बंसियाँ उठाने के बाद घेंसे फिर इसमें फिर डाल दी तालाब में, बंसी डाल ली। कितनी देर बैठे थे ये बताओ? मैं ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। 2 मिनट में आ गई तुरंत? फिर उसके बाद अभी क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, एक मछली निकल भी गई है। कितनी बड़ी? छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अच्छा, तो गाइस देखो मछली इसने जो मारी है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये घर पे रखे आया है अपने, तो हम घर पे जाके ही दिखाएंगे वो मछली कितनी बड़ी मारी है। झूठ तो नहीं बोल रहा बंदा, ले गई क्या? आ गई, देखो एक और आ गई मछली, एक और आ गई, ये ले खा दिया है। दिखाओ ये फंसा कहाँ, उल्टा लग गया ये, बस ऐसे ही खींच लिया इस बंदे ने, ये देखो कट देंगे। तो चलो अब हम घर पे चलते हैं, फिर मछली दिखाते हैं तुम्हें। तालाब काफ़ी बड़ा है वहाँ से लेकर वो उधर, देखो वो पेड़ दिख रहे हैं लास्ट तक, वो मुन तक है मछली, मछली है। आज तुम्हारा नंबर है, आज तुम जा रहे दूध लेके, आज ये दूध लेके जा रहा है। दिखा, निकाल के दिखो, निकाल के ये है मछली। देखो मछली, देखो अरे ये खा दिया पापा, देखो बंसी निकाला तो उसका पेट नस गया, घेंसे ले जा रहे। देखो गाइस ये इतने सारे घेंसे ले आए मछली के लिए भैया, देखो ये साथ में ये भी मरवा रहा है, इन्होंने खूब पकड़े। हाँ दूर रख पहले, हमने छुए भी नहीं। हाँ दूर रख, देखो हम गुच्छी पिरो रहे हैं, गुच्छी पिरो रहे हैं, अब डालेंगे हाथ भाई, देखो करके। और जो पन्नी में रखना जे, कहाँ जे, तो कोई दिल लेथन कर रहे हो। ये कटिये में आ चुके हैं, मैं इन्हें डालूंगा, मछली खाएगी, मैं मछली मारूंगा, लेके भाग जाऊंगा। सही सो गाइस, अभी जो है हम खड़े हुए हैं चिलसरे से थोड़ा आगे, और अभी हम जा रहे हैं एक गाने को शूट करने के लिए, तो व्लॉग वहाँ से कंटिन्यू है। दूसरे दिन, आज दूसरा दिन हो गया है और व्लॉग वहीं से कंटिन्यू है। और आज गाने पर हम एक जगह शूट करने के लिए जा रहे हैं, सरायगंज से थोड़ा पीछे है, काफ़ी बार जा भी चुके, तो वहीं गाने का शूट है। तो चलो बस चलते हैं, दिखाते हैं आपको। सो गाइस अभी जो है हम आ चुके हैं लोकेशन पे, और हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 2-2.5 घंटे हो गए, लेकिन वही शूट स्टार्ट होता ही नहीं है। सभी लोगों का जैसा सीन रहता है वैसे यहाँ पर भी रहा है सीन, के 2 घंटे हो गए अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। तो अब लोकेशन पे आ पाए हैं, तो यहाँ पर सॉन्ग स्टार्ट होगा। सभी लोग तो अभी नहीं आए, आने में भी टाइम लगेगा, और जैसे ही आते हैं वैसे ही शूट स्टार्ट। और देखो कौन कौन आए, और कल से मेरी वीडियो का भी शूट लगने वाला है, तो यहाँ पर से आज शूट करके और सीधा घर निकल जाएंगे। एक शूट यहाँ पर होगा, एक शूट उधर साइड होगा जहाँ पर वो भैंसे चुराई दे रही दिखाई दे रही होंगी वहाँ पर। चलो बजाओ, बजाओ एक बार, गाना सुनाओ। मास्टर बहुत चाल भरे आदमी है, हमें मालूम, ब्लॉग में चल रही है। 2:42 पे जो है काम चालू हुआ है, वो भी शूट स्टार्ट रहे हैं।
वो भी शूट नहीं स्टार्ट हुआ है। अरे ये दिखाना जरूरी भाई। रेडी हो फिर? बिल्कुल रेडी है। देखो जी किस लिए रेडी है। इसलिए रेडी हो चुका है। चलो अम्मी कैमरा लगा रहे हैं, शूट स्टार्ट होने वाला है। अभी इससे पहले रेडी हो गया, ढाई बजे की क्लिप दिखाई थी, अब 4:15 हो रहा है, 4:15 शूट लग रहा है। हमें 9 बजे बुलाया था भाई लोगों ने, 9 बजे हम आ भी गए। 4 बजे और का सही का। सो गाइस दो क्लिप ले ली, उसके बाद जो थी दो क्लिप ले ली हैं और दो मतलब दो शॉट ले लिए हैं दोनों तरफ के, और अब जो है दो और लेना, उसके बाद फिर लोअर शॉट देखेंगे फिर जो है। लेकिन उससे पहले समोसे आगे समोसे खाने, उसके बाद आगे का काम करेंगे। समोसे आ चुके हैं राहुल भाई की तरफ से। शूट करते करते डिब्बा हो गया डाउन, यानी स्पीकर डाउन हो गया, और अभी बज रहा है 4:34, तो आधा घंटा और चार्ज होएगा। चार्ज होने के बाद गाना बजना स्टार्ट होगा, फिर शूट करेंगे। और कुछ एक्टर की देखो तबीयत डाउन हो चुकी है, बताओ कैसा लग रहा है? क्या बताएं? बता दो कुछ भाई। राम है लेके ढोल आए वो तो डब्बा निकला। तुम्हारे लिए देखो पानी मंगाओ, मैंने ठंडू कोल्ड ड्रिंक। मास्टर साहब कोल्ड वाटर। का हाल चाल? हाल चाल बढ़िया है। कैसे हुआ शूट? बहुत बढ़िया हुआ। अब जाके एडिटिंग हो जाए और देखियो फिर। बस। लेकिन जा है, बस जल्दी मत करियो। जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी करियो तो एडिटिंग बढ़िया ना होता। अरे सभी सुबह उठ के चले जाना, क्या बस जाने वाली थोड़े ना। स्क्रिप्ट मैंने लिखवाई दी, तुम आई और बढ़िया, दो चार पंच और मरवाई दी मैम बढ़िया। अगर हमारे हिसाब से आई पंच वाली बात थोड़ी ना, स्क्रिप्ट आज भेजने ना। अरे हमारे सिस्टम में पड़ी है, भेजना है पे बात जा है और वो बात नहीं। फिर कह रही 20 तारीख का बता रहा था कुछ ना, मैं 20 तारीख रियल बता रहा हूँ, तो इसीलिए शांत है। 20 तारीख तक दोनों आ रही है, शांति मतलब जहाँ कोई दो रहा है नहीं। 20 तारीख तक फैजल भाई मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, 20 तारीख बिल्कुल नहीं करूंगा। सबकी जो जैसा करे कर रहे, हम उसमें सहयोग करें। 20 तारीख बाद फरमाइशी कम तेजी सबकी करेंगे। चलो भाई गाइस देखो ये दिख रहा होगा, रुकी है यहाँ पर, हमें रुका गया है तो हमें रुकना पड़ेगा। अगर एक मतलब कभी राजा महाराजाओं में जंग जब छिड़ जाती थी तो ऐसे करके एक बोर्ड टांग दिया जाता था रुकिए वाला, तो वो लोग रुक जाते थे, फिर आगे जंग नहीं होती थी, ऐसे जंग को रोका जाता था। और वहाँ से शूट करके हम आ गए, काफ़ी मतलब लेट हो गए थे तो व्लॉग भी नहीं कर पाए, और अभी बज रहा है करीब 8:30, और अभी घर पहुँचने में कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा, फिर देखते हैं। लेकिन हमें ये मंजना के पास जो थी एक क्रॉसिंग में लगी हुई है, तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्या करें। सो गाइस अभी अपने घर पे आ चुके हैं, हमने खाना वाना सब कुछ खा पी लिया, सब कुछ मतलब बिल्कुल एकदम फ्री हो गए, लेट गए, लेकिन फ्री नहीं हुए। अभी हमें करना है स्क्रिप्ट, और जो डेटा था वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अभी हमें अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट करना है, और स्क्रिप्ट करने के बाद वो स्क्रिप्ट अपने सभी टीम मेम्बर्स को सेंड तो नहीं करना है, बट उन्हें एक बार बता देना है कि ये शॉर्ट है, तो इस तरीके से मतलब करना पड़ेंगे। तो ये देखो सिस्टम चालू है हमारा, ये वाला सिस्टम चालू है, ये वाला बनता है, ये सब वाला बनता है सिस्टम, सिर्फ करते हैं दूसरे वाले सिस्टम से करते हैं और इस वाले पे करते नहीं हैं। तो बस जैसे ही स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है और कल के लिए शूट स्टार्ट कर देते हैं, और देखते हैं कि लड़की को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, वो भी देख लेंगे, नहीं हुआ तो परसों बुलाएंगे। तो बस अब स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।